नमस्कार दोस्तों, आज की इस बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो बातचीत है ये फोकस्ड है एग्जामिनेशंस के ऊपर। कुछ एग्जामिनेशंस अभी चल रहे हैं, कुछ ओवर हो गए हैं। हमें काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी लगातार कि बच्चों के अंदर जो फोकस, जो कंसंट्रेशन की भावना है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। किस तरह से एग्जामिनेशन में और नंबर लाए जाएं, अंक लाए जाएं, मेहनत कितनी करें, क्या पर्यावरण का, वातावरण का भी उसके ऊपर कुछ असर पड़ता है। हमारे आसपास किस तरह गर्मी है, सर्दी है, बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं है, सांस कैसे आ रही है, हवा में प्रदूषण कैसा है, या क्लीन कितना है, बंद कमरा बंद करके पढ़ रहे हैं, किस दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास थी इस बारे में। तो हमने सोचा क्यों ना कि एक एक करके उन क्वेरीज के ऊपर बातचीत की जाए। हम आज की बातचीत में कई पहलुओं को डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बच्चा स्ट्रेस जब ले जाता है तो दिमाग कैसे काम करता है, कैसे बंद हो जाता है या कैसे थोड़ा मंद हो जाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता कैसे उलझन ज़्यादा बन जाती है। तो ये सब चीज़ों की चर्चा भी होगी, और साथ आज एक कमाल का विषय भी हम लोग चर्चा में लाएंगे जिसके ऊपर बाकायदा हमसे सवाल पूछे गए थे, वास्तु के ऊपर। और जो हमारे साथ आज आचार्य जुड़े हुए हैं, मुनमुन गोयल जी अपने क्षेत्र की मानी हुई हस्ती हैं। ये बहुत ऐसे प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, ऐसे स्कूलों में जाके भी काम कर चुके हैं, कॉलेजेस के साथ जाके भी काम कर चुके हैं, लगातार अपने ऑनलाइन चैनल के जरिए भी ये जुड़े रहते हैं। ऑनलाइन थर्सडे को ये महावास्तु का एक ऐसा दान भी करते हैं जहां कोई भी इनसे कॉन्टेक्ट करके, इनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का निवारण कर सकता है। तो आज की हमारी जो आचार्य हैं, आज के हमारे जो वक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं, मैडम मुनमुन गोयल। इसके बाद स्टेज और मंच आपके पास, आप कुछ देर जब अपनी बात कह लें उसके बाद फिर हम इंटरेक्टिव सेशन की ओर चलेंगे। जी थैंक यू सो मच अरुण जी, एंड आई एम रियली हैप्पी आप सब ऑनलाइन आए और आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया कैसे आप वास्तु के थ्रू अपने बच्चों की स्टडीज को बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं कुछ शेयर करूंगी आपके साथ टिप्स, और उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं आचार्य मुनमुन गोयल, महावास्तु एक्सपर्ट पंचकुला से। और जैसे कि अरुण जी ने आपको बताया, थर्सडे, एवरी थर्सडे मैं फ्री कंसल्टेशन देती हूँ आपके घर पर, ऑफिस पर, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उस पर आपको फ्री कंसल्टेशन दी जाती है 4 to 6 PM के बीच में आपके घर के नक्शे पर। तो सबसे पहले मैं आती हूँ कि कैसे हमें वास्तु हेल्प करता है। वास्तु का, महावास्तु का मतलब है क्या? वास्तु हम सभी जानते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल साइंस है, बहुत सदियों पहले से यूज करी जा रही है ये साइंस। और इससे अगर आप जाएंगे बहुत एजेस बैक, तो आपने देखा होगा कि लाइफ लोगों की बहुत खुश थी, हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा नहीं थे, रादर मैं कहूंगी थे ही नहीं, कोई रिलेशनशिप इश्यूज नहीं थे, बच्चे भी अच्छे से पढ़ते थे। बहुत प्रॉब्लम्स हम अभी फेस करने लगे हैं क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट में चेंज लाया है। और वो एनवायरनमेंट का चेंज क्या है, जैसे कि घर में हम डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं। एज एन इग्नोरेंट हमें नहीं पता है कि कौन सी डायरेक्शन हमें किस चीज में बेनिफिट करती है। सिमिलरली हर कलर का एक अपना एट्रीब्यूट है, और सिमिलरली हर कलर का, हर डायरेक्शन का अपना एक कलर भी है। अगर हम उनको कलर्स को डायरेक्शन वाइज वाइजली यूज करते हैं तो हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये मेरी बहुत सारी केस स्टडीज में आज तक में प्रूफ हो चुका है। महावास्तु का जो वर्क रहता है वो रहता है नो डिमोलिशंस, वी डोंट बिलीव इन डिमोलिशंस। वेरस जब पहले वास्तु होता था तो डिमोलिशंस बहुत ज्यादा होती थी, और शायद इसी वजह से लोगों ने वास्तु में बिलीव करना छोड़ दिया था ये सोचकर कि वास्तु है तो तोड़फोड़ होगी ही। बट महावास्तु में तोड़फोड़ नहीं होती है, ये आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली ही वास्तु को डिजाइन किया गया है, और इसकी रेमेडीज बहुत सिंपल हैं। अभी ऐसा नहीं है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, जैसे पहले कहते थे कि साउथ ईस्ट में ही किचन होनी चाहिए, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। साउथ ईस्ट के अलावा हम किस भी डायरेक्शन में किचन रखते हैं पर हम उसको बैलेंस कर देते हैं। अब उसके नीचे हम डिफरेंट कलर का स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इससे हमें जो किचन के बैड इम्पैक्ट्स है वो आने बंद हो जाते हैं और हम लाइफ में ग्रो करते हैं। इट वॉज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू एंड शेयर इट विद यू ऑल। सो आज आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ कैन महावास्तु, हाउ कैन वास्तु हेल्प योर अ चाइल्ड और अ स्टूडेंट टू ओवरकम ऑल दी हिंड्रेंसेस जो कि हमारी कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, या हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते,
कैसे महावास्तु आपको हेल्प करता है, और उसके अलावा भी मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगी जिससे कि बच्चे जब हम पढ़ने लगते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं, माइंड टायर्ड हो जाता है, एग्जामिनेशन में हम जाते तो हमें लगता है कि एज इफ यू नो वी आर लूजिंग ऑन आर एनर्जी ऑल्सो, तो उसको हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आज का मेरा डिस्कशन रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे जिन्होंने भी ज्वाइन किया है कि आप क्विकली अपने ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चेक माई वास्तु ऐप, जिससे आप अभी की अभी अपने घर को रिलेट कर सकते हैं बच्चों के लिए। चेक माई वास्तु ऐप का नाम है, आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इट इज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। सो चेक माई वास्तु को आप कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं हम डायरेक्शंस को घर में, डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे घर में, घर के सेंटर में आपको पता होगा आपके घर का सेंटर कौन सा है, तो घर के सेंटर में जाकर हम अपने फोन को इस तरीके से पकड़ लेंगे सेंटर में जाके घर के, और ऐप ओपन कर लेंगे। इससे हमें घर के सब डायरेक्शंस का पता चल जाएगा कि हमारे घर में कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर आती है। दो डायरेक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें माइंड की क्लैरिटी देता है। माइंड की क्लैरिटी होगी तो हमें पता होगा हमें करना क्या है, माइंड की क्लैरिटी होगी तो हमें पता होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, माइंड की क्लैरिटी होगी तो हमें आइडियाज भी अच्छे से आएंगे, हमें सक्सीड कैसे करना है, हमें ग्रो कैसे करना है, वी विल कम टू नो अबाउट इट ऑल। तो नॉर्थ ईस्ट को हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे कि वहां पर रेड कलर्स, येलो कलर्स, मरून कलर्स या कोई भी भारी सामान या जंक सामान वहां पर ना हो, अगर है तो उसको रिमूव कर देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये कलर्स जैसे कि पर्पल, पर्पल आई मिस्ट, पर्पल पिंक्स, ये सब कलर्स हमें वहां से हटा देने हैं। उसके बाद कई लोगों के मंदिर होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन मंदिर में हम क्या करते हैं, फिर से हम बहुत सारा वहां पे रेड पिंक कलर्स, क्योंकि हम हिंदू ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, तो वहां पे रेड पिंक्स, मरून्स, गोल्डन्स, हम ये कलर्स बहुत सारे ऐड कर देते हैं, जो कि अगेन हमारी माइंड की क्लैरिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर कर देता है। इसके लिए मैं आपको कहूंगी मंदिर में से ये कलर्स हटाकर आप वहां पे यूज कीजिए ऑफ वाइट या क्रीम कलर्स, ये कलर्स आपकी माइंड क्लैरिटी को इनहांस करेंगे। दूसरा आ जाता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हमारी रिलेटेड है एजुकेशन से, स्टडी से। जब इस डायरेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सपोजिटली अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कहता है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, आस्क योर चाइल्ड, और इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप देखो जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका क्या करने को मन करता है। अगर आपको पढ़ते समय बैट बॉल दिखता है तो आप देखेंगे कि आपके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बैट बॉल ही पड़ा होगा। अगर आपको टीवी देखने का मन करता है तो आप देखेंगे कि आपके वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में टीवी होगा। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई बेकार है, कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है कि वहां पे डस्टबिन भी हो। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हमें क्या रखना चाहिए, हमें वहां पे रखना चाहिए अपने बच्चों की बुक्स, उनकी कॉपीज, उनका स्टडी टेबल भी हम वहां पे बना सकते हैं। पर अगेन हमें कलर्स का ध्यान रखना होगा कि वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हम ग्रीन कलर्स, रेड पिंक मरून कलर्स हम वहां पर ना लेकर आए, ब्राउन कलर्स, इन कलर्स से हमारी कहीं ना कहीं जो हम एजुकेशन लेना चाहते हैं वो हैम्पर हो जाएगी। अगर आपके पास वेस्ट साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में जगह नहीं है तो वहां पर आप एक स्पाइन ऑफ बुक्स, स्पाइन ऑफ बुक्स से मेरा मतलब है जैसे लाइब्रेरी में बुक्स लगी हुई होती हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड होती हैं, तो आप उसका वैसा एक प्रिंट आउट निकाल के भी वहां पर लगा सकते हैं। ये बहुत मैजिकल है एंड इट रियली वर्क्स। उसके बाद आ जाता है कि कैसे हमें वहां पर, अगर हमारे बच्चे को लगता है कि मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ जब हम पढ़ने लगते हैं, या मेरा मेंटल लेवल पे मेरे को एग्जॉस्टन आ जाती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको छोटी सी कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। अगर आप में से अभी कोई टायर्ड भी है तो आप अभी भी उसको रिलेट कर सकते हैं अपने साथ।
कैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं कॉलर बोन के, यहाँ पर आप जब आ जाते हैं तो आई होप यू कैन सी दिस टू पॉइंट, दिस टू हार्ट पॉइंट्स, ये सबके लिए है एंड इट रियली वर्क्स, यू कैन जस्ट ट्राई इट राइट अवे। हार्ट पॉइंट्स के ऊपर हमारे यहाँ पे नीचे सॉफ्ट एरिया आ जाता है। इफ यू विल स्टार्ट टैपिंग योर, जोर से थोड़ा सा इसको, जोर से अगर हम इसको टैप करेंगे इन पॉइंट्स को, तो आप देखेंगे आपका क्विक एनर्जी रीगेन होगा। करके देखिए, और अगर आपको लगता है हुआ है तो जरूर शेयर कीजिएगा इन चैट बॉक्स। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, और चाहे तो आप वापस बुक्स जरूर रखिए, बिकॉज बुक्स रियली हेल्प इन वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंड नॉर्थ ईस्ट को जरूर क्लियर कीजिएगा। अरुण जी, ये था मेरा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड टॉक। तो अब इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं, यू मोस्ट वेलकम। जी, तो आई होप आप में से किसी ने भी ये ट्राई किया है कॉलर बोन के टैप करने का, तो मेरे साथ जरूर शेयर करना, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। और इन केस अगर आपको लगता है आपके बच्चे को कोई भी इशू है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप वो भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल कवर देम अप ऑल्सो। जी बिल्कुल अरुण जी, कहीं ना कहीं या तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या बच्चों को ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर बच्चों को पेरेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस, बिकॉज पेरेंट्स क्यों बार बार बोलते हैं कि शायद उनको पता है कि मेरे मैं मेरे एक बच्चों। सेकंड आपका बीच में लूंगा, एक माइक ऑफ होने की वजह से लाइव ऑडियंस मेरा प्रश्न ही नहीं सुन पाई होगी, तो मैं एक बार प्रश्न दोबारा दोहरा दूं, माफी चाहता हूँ। तो मेरा जी प्रश्न यहाँ पे ये है कि एक जो एग्जामिनेशन है, ये स्ट्रेस है ही क्यों, जब सबको पता है कि ये होना चाहिए और इससे बहुत सारे फायदे हैं, तो इसकी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत क्या है? दूसरी बात, दूसरा प्रश्न ये है कि जब माँ बाप से बात की जाती है या टीचर से बात की जाती है या कई बार बच्चों से भी बात की जाती है, तो उसकी एक वजह पेरेंट्स को बता दिया जाता है। बहुत सारे सीरियल्स में भी पेरेंट्स को बता दिया जाता है। क्या वाकई पेरेंट्स इतने जालिम हो गए हैं आजकल के कि बच्चों को स्ट्रेस दे देते हैं, या उनका रिलेशनशिप का भी कोई असर पड़ता है स्ट्रेस के ऊपर? ये मेरा प्रश्न है, और उसका जवाब अभी हमें आचार्य मुनमुन गोयल जी दे रहे हैं। जी कहीं ना कहीं पेरेंट्स स्ट्रेस्ड आउट हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने भी ये देखा है कि हमारा बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर भी रहा है, तब भी पेरेंट्स का स्ट्रेस बहुत रहता है बच्चों के ऊपर कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। सो वेयर एज आई थिंक बच्चा अपनी प्रकृति लेके आया है, सतत रजस तमस। अगर बच्चे सतत प्रकृति का होगा, सतत प्रकृति या कि एयर प्रकृति का होगा, अगर बच्चा सतत प्रकृति का होगा ना, तो वो पढ़ाई में अच्छे से इंटरेस्ट लगा के पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगर बच्चा रजस प्रकृति का है, रजस प्रकृति का बच्चा क्या होगा, वो एक बार ही पढ़ेगा और उसे सब याद हो जाएगा, उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, अगर आप वहां पर बादाम रख देंगे बच्चों की एग्जामिनेशन के समय पर, या आप वहां पर बादाम भी रख देंगे कुछ, यू नो लाइक 10-15 पीसेस आप बादाम रख देंगे येलो कटोरी में, या फिर ब्रास की कटोरी में अगर आप रख देंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चे की ग्रास्पिंग पावर और भी स्ट्रांग होती जाएगी। और जी इससे क्या होगा, बच्चों के रिलेशनशिप भी बेटर होगा पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स को अल्टीमेटली समझना जरूरी है कि मेरे बच्चे के की स्किल एरियाज है क्या है, क्या मेरा बच्चा केपेबल है पढ़ने के लिए। अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो पेरेंट को सबसे पहले जरूरी है, वास्तु के परस्पेक्टिव से मैं बताऊंगी, कि वो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है, जिसको ईशान कोण कहा गया, और ईशान कोण हमें मैक्सिमम माइंड क्लैरिटी ईशान कोण देता है। अगर ईशान कोण हमारा खराब है, तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन खुद से भी बना हुआ नहीं है,
खुद से भी हमारा कनेक्टिविटी खराब है, हम बाहर के साथ तो हम क्या कनेक्टिविटी स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी खुद के साथ ही अच्छी नहीं है। हमें कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि हमें, अगर हमने पढ़ लिख लिया है तो हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने अच्छे से पढ़ा है। पेरेंट्स को भी बच्चे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बच्चा परफॉर्म कर रहा है। और अननेसेसरीली मुझे लगता नहीं है कि आज के टाइम में बच्चे को अगर हम पीछे पड़े रहेंगे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बच्चे ने अपना प्रकृति के हिसाब से उसके जो तीन गुण है, उसके जो तीन एलिमेंट्स हैं, जो उसका बेसिक एलिमेंट है, उसने जितना पढ़ना है वो पढ़ेगा उतना ही। जी तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रकृति समझिए, वो किस प्रकृति का है, वो किस चीज के लिए बना है, क्या उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि मेरे लिए ये बेटर है, उसने एक पेज पढ़ लिया, और क्या उसको बार बार रिविजन की जरूरत है। अगर तमस वाला बच्चा है, वाटर एलिमेंट का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा ही जिसको हम कहते हैं ना एक्टिव नहीं होगा वो बच्चा। उसके लिए हमें उसके पीछे पढ़ने की जरूरत है कि वो पढ़ ले बच्चा। लेकिन जो सत्व और रजस प्रकृति वाले बच्चे हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे की ग्रास्पिंग पावर या उसकी फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो उसके लिए मैं हर थर्सडे को फ्री कंसल्टेशन देती हूँ, जिसमें आप पता कर सकते हैं, आप अपनी भी कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपने बच्चे के लिए भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपने जो हिंदुस्तानी संस्कृति है उसके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, उसके शब्दों का इस्तेमाल आपने यहाँ किया है। सत्व प्रकृति हमें बताई है, रजस प्रकृति हमें बताई है, और बच्चे के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात आपने हमें बताई है। बिल्कुल। और इसी को आज मॉडर्न साइंस, जिसको तथाकथित मॉडर्न साइंस कहा जाता है, उसमें भी हम यही कहते हैं कि जब पेरेंट्स जोर जबरदस्ती करते हैं, दबाव डालते हैं, बच्चे को समझते नहीं हैं, तब बातें बिगड़ जाती हैं। तो ले दे के मतलब बिल्कुल बात यह है कि अगर किसी बच्चे को एग्जामिनेशन के स्ट्रेस से दूर करना है, तो माँ बाप को, बच्चे को, सबको मिलके ये समझना होगा कि जो एग्ज़ाम या जो वो काम कर रहा है, वो काम उसके भले के लिए है और भले के लिए आगे बढ़ रहा है, उसका मन उसमें होगा तो वो काम कर पाएगा। मनमोहन मैम, आपकी बात से ना एक बड़ा ही खास सवाल निकल आया है। इस सवाल का जवाब कई बार देने में ना हम लोग भी असमर्थ हो जाते हैं। मैं भी आज की जी बातचीत से होगा, और मैं बल्कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से अगर कोई कुछ कहना चाहेगा तो उनको भी इनवाइट करेंगे इस बात पे। बिल्कुल देखिए, हमारा जो यहाँ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। जैसे जी कोई अगर मैं कहूँ कि किसी को अगर कोई कविता में रस आता है, तो हो सकता है कि जी उसको वो रस मैथ में ना आ रहा हो, सकता है कि वो शायर बिल्कुल बनना चाहे करने के लिए, या कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा हो, इसी तरह कोई खेल कूद में बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारे यहाँ का जी जो सिस्टम है उसको पढ़ना ही पड़ता है। जैसे आपने प्रकृति की बात की कि उसकी जी प्रकृति वैसी नहीं है, लेकिन उसको फिर भी करना पड़ता है, उसको काम तो पूरा ख़त्म करवाना ही है। तो क्या उन परिस्थितियों में क्या हो, कैसा हो, कैसे हम ये सब चीज़ें और आगे बढ़ाएं, उसमें पेरेंट्स, सोसाइटी या वास्तु या हमारी मॉडर्न साइंस क्या कहती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अरुण जी, इसमें मैं कहूंगी, एक तो सबसे पहले बच्चे का और पेरेंट का रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। जी रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे ने बोला है कि मैंने पढ़ लिया है और आपने देखा है बच्चे को पढ़ते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चों को फोर्स करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि हमने अपने पेरेंट्स को हमें फोर्स करते हुए देखा, जी तो इट इज लाइक अनकॉन्शियस पेरेंटिंग दैट वी आर डूइंग। जी हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो हमें फोर्स करते थे, तो हमें लगता है कि हमें अपने बच्चे को भी आगे फोर्स करना ही पड़ेगा। आज जी के टाइम में वी आर लिविंग इन दैट एरा वेयर इन यू नो कॉन्शियस पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्शियस पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा शब्द यूज किया है, कॉन्शियस पेरेंटिंग, कि ये सब पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। सिर्फ बच्चे की पढ़ाई नहीं है, बच्चे का एग्जाम नहीं है, तो सबको मिलजुल के जोर लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके उत्तर के लिए जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बल्कि उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप में से जो जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कोई इस सवाल के जवाब में अपनी बात कहना चाहे, सवाल ये है कि जब हम बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो हो सकता है उस बच्चे की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उस समय या समय ऐसा है उस समय फेवरेबल ना हो कि वो पढ़ाई करे, लेकिन हम जोर लगाते रहते हैं कि वो पढ़ ले। हम एज ए पेरेंट
बच्चे पे तो जोर लगाते हैं कि पढ़ ले, लेकिन बच्चे के आसपास का जो वातावरण होता है उसमें बच्चा कितना कंफर्टेबल फील कर रहा है, बैठ के पढ़ने के अंदर कंसंट्रेशन बन भी रही है कि नहीं बन रही है ये देखने के बाद। मैं एक एग्जांपल से बात लेता हूँ, फिर मैं सभी को इन्वाइट करता हूँ अपनी बात कहने के लिए। अब मान लीजिए घर है जहाँ बच्चा पढ़ना चाहता है और दूसरा बच्चा या उसके माँ बाप टीवी देखना चाहते हैं, या बड़े अपनी बातें में लगे हुए हैं करने के लिए, ऐसा शोर है, या पड़ोस में कोई शोर ऐसा है जो उसके वातावरण को उतना कंड्यूसिव नहीं बना रहा, या ऐसी कोई तड़क भड़क वाली चीज़ें हैं, चाहे रंगों का जो मेल सुमेल होना चाहिए वो बिगड़ा हुआ है, या ऐसी कोई जगह पे उसके पढ़ने की टेबल कुर्सी लगा दी गई है जहाँ आसपास का सामान उसके ऊपर एक बर्डन की तरह गिर रहा है, तो क्या बच्चा वाकई में उस स्थिति में पढ़ सकता है? या ऐसी कुछ ऐसी और परिस्थितियां बहुत सारी हो सकती होंगी, तो अगर कोई इस बारे में बातचीत करना चाहे, कुछ कहना चाहे, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। हम 5-7 सेकंड तक वेट करेंगे, फिर आगे जी बढ़ेंगे। जी, मुझे लगता है इस सवाल के जवाब में अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिलने वाली है, तो हम आगे बढ़ते हैं बात को। तो ये जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें महावास्तु में भी बताई गई हैं, कुछ कलर्स का सुमेल होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर आम आदमी के हिसाब से मैं बात कहूँ तो वातावरण जो है प्लीजेंट होना चाहिए, मन को खुशी देने वाला होना चाहिए, मन में उमंग भरने वाला होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये टिप्स बताइए, आपके भी बच्चे हैं तो एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों के साथ जो डील करते हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं, क्या आप करते हैं, क्या मेजर लेते हैं, थोड़ा सा वो शेयर करिए हमारे साथ, ताकि हम सबको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ ये भी हम एक पेरेंट से, अपने जैसे पेरेंट से ही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने बच्चों के लिए अगर मैं आपको रिलेट करके बताऊंगी तो सबसे पहले ऑनेस्टली एंड ऑब्वियसली मेरा घर जो है वास्तु बैलेंस्ड है। वास्तु बैलेंस्ड इन द सेंस कि मेरे घर में जो वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, वो बैलेंस्ड है। और डेफिनेटली मुझे उससे रिजल्ट्स मिले हैं। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मुझे ऑब्वियसली एक थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि माई सन इज इन क्लास 1 एंड माई डॉटर गोज टू क्लास 4, शी विल बी इन क्लास 5 नाउ। तो पेरेंट का एक एफर्ट, एक थोड़ा सा उनको बोलना कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारा दिन पीछे पड़े रहना, लेकिन थोड़ा सा बोलना ये बहुत जरूरी है, साथ ताकि बच्चे को भी एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग हो। क्योंकि अब जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होगा या छोटा बच्चा होगा तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, उनका ध्यान खेल में जरूर जाता है। लेकिन जी अगर मुझे पता है मेरा बच्चा, मेरा माई सन इज लाइक फायर एलिमेंट, जी इस बेसिक एलिमेंट इज हिज पिथ प्रिवेलेंट बच्चा है मेरा, जी मुझे पता है कि उसका वो पढ़ेगा और उसको याद हो जाएगा, या अगर वो सुनेगा तो उसको याद हो जाएगा। तो मैं उसके साथ उतना एफर्ट नहीं लगाती हूँ। अगर मुझे पता है कि वो अपनी क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में भी अगर वो ध्यान से सुन रहा है, देन आई नो ही इज केपेबल ऑफ टेकिंग इट फर्दर, एंड विच इज एक्चुअली हैपनिंग। माई डॉटर इज सतव प्रिवेलेंट, उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो है सतव एलिमेंट है, तो वो पढ़ती है। लेकिन जो सतव वाले बच्चे होते हैं दे टेंड टू फॉरगेट ऑल्सो। सो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, अब इसमें आ जाता है एक और पर्सपेक्टिव हमारा हॉरोस्कोप का। अब उसके हॉरोस्कोप में हम सभी जानते हैं, हम आई डोंट नो इफ यू ऑल नो इट और नो, लेकिन जो हमारा हॉरोस्कोप है वो हम कैरी करते हैं बाय बर्थ। वो हमारे कुछ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट ऐसी होती है जो हम बाय बर्थ कैरी करते हैं, विच आर एक्चुअली डिजाइंड फॉर अस ओनली बाय द नेचर। जी तो अगर हम उसमें देखेंगे कि मेरे बच्चे का फोर्थ हाउस, हॉरोस्कोप में फोर्थ हाउस इज फॉर योर बेसिक एजुकेशन, अगर मैंने देख लिया कि मेरे बच्चे की बेसिक एजुकेशन की डायरेक्शन ये है, तो मैं अगर उसका स्टडी टेबल वहां पे लगा दूंगी, बिसाइड्स द फैक्ट कि मेरा वेस्ट साउथ वेस्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में बताया क्योंकि मैंने ऐसा किया है, जी वेस्ट साउथ वेस्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो सारी उसकी बुक्स वहां पर रख देने से ऑब्वियसली शी डज मच मच बेटर। क्योंकि जी बिल्कुल, मेरा सवाल भी मैंने नॉट इसीलिए नॉट पूछा हाँ आपसे, जी सवाल भी मैंने इसीलिए पूछा आपसे ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएं इस बात के साथ कि जो साइंस आप यहाँ बात कर रहे हैं वो साइंस जो है वाकई में काम करती है, और एज ए पेरेंट आप भी उसको अप्लाई करते हैं, इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलरली सवाल आपसे पूछा था। अब मैं थोड़ा सा इस बात को स्कूल की तरफ ले जाता हूँ, जी एग्जामिनेशन में।
तो घर पे तो जैसे आपने बताया स्ट्रेस बस्ट करने के लिए आपने कुछ तरीके बताए हैं ना, जिसमें रंगों का सुमेल था, चीज़ों की प्लेसमेंट थी, फिर दिशाओं की बात आपने बताई। स्कूल में टीचर के तौर पे हम कैसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं? मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने बच्चे पेपर देने के लिए आ गए, तो उनको एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है करने के लिए, तो मैं एज ए टीचर क्या वहाँ पे कोई एक्ट कर सकता हूँ? आपने इतना अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन का मेरे पास एक बहुत अच्छा आंसर है, जो कि हमारी एनर्जीज होती है, ये हमारी बॉडी की एनर्जीज होती है, कभी एक्टिव होती है कभी डोरमेंट होती है। जी तो अब हम इस एनर्जी को कैसे एक्टिव करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देयर इज अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल। तो इस एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे, आई मीन ओके लेट मी ट्राई इफ आई कैन डू इट फॉर यू ऑल। सिंस दिस क्वेश्चन हैज कम अप, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू हाउ कैन वी डू इट। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे और मे बी इन आवर सिटिंग पोजिशन ऑल्सो, लेट मी जस्ट पुल माई चेयर ऑन दिस साइड एंड आई होप आई एम विजिबल टू यू ऑल। मैम अभी शायद थोड़ा सा Not really. मैं आपको I'll keep shifting my screen for this. So you know, इसके लिए हमें क्या करना होगा, और मे बी आई कैन मूव माई टेबल अ बिट टुवर्ड्स द बैक। इस एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना होगा, आई जी वांट टू टेक माई लेफ्ट फुट अक्रॉस माई राइट फुट, राइट ठीक है, और मैंने अपने हाथ को क्या किया, ऐसे कर दिया, इंटरलॉक कर दिया, जी इंटरलॉक करके आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट बैक हियर राइट इन द मिडल ऑफ माई चेस्ट, राइट। यस और फिर मैंने ऑपोजिट किया, आई एम गोइंग टू टेक माई राइट लेग टुवर्ड्स माई लेफ्ट लेग, अक्रॉस माई लेफ्ट लेग, राइट एंड देन ऑपोजिट मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे राइट अगेन आई एम गोइंग टू डू लाइक दिस, राइट ठीक है। फिर उसके बाद माई थंब, नाउ आई सिट विद माई थंब, आई एम गोइंग टू प्रेस माई थर्ड आई, और जो मेरी थ्री फोर फिंगर्स हैं उसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। ब्रीद इन ब्रीद आउट फॉर लाइक 4-5 times। नाउ रिमूविंग माई थंब फ्रॉम दिस प्लेस एंड ब्रिंगिंग माई फिंगर्स हियर इन द मिडल, प्रेस इट हार्ड एंड टूवर्ड्स द टेम्पल एंड यस अरुण जी, टूवर्ड्स द टेम्पल आप इसको ऐसे लेके जाएंगे, ड्रैग इट टूवर्ड्स योर टेम्पल, राइट और आप देखेंगे आप में ऑल ऑफ सडन एक किक आता है, यू फील फ्रेश। ये बहुत बढ़िया आपने टिप बताया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो स्कूलों में काम कर रहे हैं, और मेरी डिस्कशन जब आजकल होती है तो ऐसा वर्क प्रेशर क्रिएट हो गया है कि, और स्कूलों में नहीं बहुत सारे ऑफिसेज में भी ऐसा वर्क प्रेशर क्रिएट हो गया है कि अपने आप को थोड़ा समय देने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो समय जो है मेरे ख्याल जिस तरह की छोटी छोटी जो एक्सरसाइज आपने बताई हैं ये काफ़ी बड़ी साबित होती हैं इस तरह के माहौल में। यस बिकॉज इससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जीज होती है डोरमेंट एनर्जीज ऑल ऑफ सडन वो क्रॉस कर जाती हैं। जी और आप देखेंगे अगर आपको लगता है ना कि कभी एज अ टीचर आपको कोई सुन नहीं रहा है, देन यू विल कम टू नो कि आपका जो एनर्जी ऐसी क्रॉस होती है कि सामने वाला आपको सुनना शुरू कर देता है। जी तो मैं, मेरे पास सवाल और भी हैं, लेकिन एक बार मैं अपने सवाल रोकूंगा और एक बार पार्टिसिपेंट से फिर आग्रह करूंगा कि अगर उनका कोई सवाल है तो वो अपना सवाल चाहें तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, और मैं ये डिस्कशन आगे भी जारी करूंगा। और मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमने प्रैक्टिकली की हैं और प्रैक्टिकली वो हमें हेल्प करती हैं, वो मैं टिप्स भी कुछ बच्चों से शेयर करूंगा अभी। मीनवाइल अगर किसी का कोई सवाल है कोई एग्जामिनेशन स्ट्रेस के बारे में। अरुण जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। नमस्कार। जी 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 मित्र साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, मैडम, बड़ा बढ़िया आपने बात बताई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, और थैंक यू सो नमस्कार मच। जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। एक एक आप कह लीजिए कि एक इमेजिनरी एक सिचुएशन अगर मैं आपको दूं, जो आपने नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट की बात करी, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे साथ भी है कि मैं एक जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठकर
पढ़ना चाहता हूँ या पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, चाहे वो ऑफिस है या मेरा घर है। और सेम चीज चाहे शायद काफी लोगों के साथ भी होती है कि हमारी एक एक पर्टिकुलर एक जगह होती है जहाँ हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, और कई बार ये होता है कि हम वो डायरेक्शन नहीं देखते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है या साउथ फेस कर रही है, बट वो एक हमारा ऑफिस में या घर में कंफर्ट जोन होता है। बट आपके बात से सुनकर मुझे ये लगता है कि भी उसमें वास्तु का रोल तो रहता ही है डायरेक्शंस का। तो पहला सवाल कि अगर ऐसी सिचुएशन हो, सपोज मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ कि टेबल मैंने नॉर्थ ईस्ट में रखी है और वेस्ट साउथ वेस्ट में मेरी बुक्स भी पड़ी हैं, मेरा टीवी भी पड़ा है, मेरा लैपटॉप भी पड़ा है और मेरा प्रिंटर भी पड़ा है, वो सब सामान मेरा वेस्ट साउथ वेस्ट में है, और मे भी एक सिचुएशन है कि जितनी आउटपुट आनी चाहिए उतनी आउटपुट नहीं आती, तो फिर मेरे को आपकी बात ज़्यादा जचती है कि डायरेक्शंस ठीक नहीं है। परंतु अगर मैं अपनी टेबल को शिफ्ट करता हूँ या बैलेंस कैसे कर सकता हूँ कि मेरी आउटपुट ज़्यादा है, और उसी सिचुएशन में उन सामान के उसी तरह रखते हुए क्या करेक्शंस हो सकती हैं कि वो डायरेक्शंस जो हैं वो वास्तु के हिसाब से फेवरेबल काम करना शुरू कर पाए। सर, मैं इसमें बोलूंगी, पहले तो आप इमेजिनरी ना करके आप मुझसे वो पूछिए जो आप एक्चुअली में फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद तो बहुत अच्छा मैं लगेगा क्या इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं जैसे सोच के देखूँ, अगर मैं एक एग्जांपल लेके देखूँ, एग्जैक्ट तो देखिए मैं आपको डायरेक्शन का नहीं बता सकता कि किस तरह, जैसे मेरे घर में जो हमारी जो स्टडी टेबल है वो मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ी है, जी। और जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसमें बुक्स भी हैं जैसे आपने कहा, क्योंकि उसमें बुक्स की टेबल भी है वेस्ट साउथ वेस्ट वाली जो आप कह रहे हो, जी और उसमें टेलीविजन भी है, जी उसमें प्रिंटर भी है, उसमें लैपटॉप भी रहता है, तो वो एक डायरेक्शन ऐसी है कि जिसमें ये सारा सामान पड़ा हुआ है। जी तो अगर उसको ध्यान से सोच कर देखें तो ऐसी आउटपुट की ना कमी है ना ज्यादा है, बट वास्तु के हिसाब से वो मुझे लगता है करेक्ट नहीं है। जैसे आपने कहा कि भाई वेस्ट साउथ वेस्ट में टीवी जो है तो वो बच्चे का ध्यान पलटाएगा, जी जी और अरे कंफर्ट जोन है, मैंने भी पढ़ना है तो मैं उसी टेबल पे वहां पे बैठ के पढ़ता हूँ, बेटे ने भी पढ़ना है तो वहीं पे पढ़ेगा, क्योंकि वो एक टाइप से कह लीजिए घर में ऑप्शन ही हुआ है, कि हमने एक ऑप्शन ही वो बनाई हुई है वहां बैठने की। तो उसको अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो गलत भी है, तो उसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत है और ये सही है। ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम अगर जाके बोलते हैं कि डॉक्टर आई हैव अ हेडेक, तो डॉक्टर फॉर श्योर आपको पूछेगा कि भैया सिर इतना बड़ा है, किस हिस्से में दर्द है। जब तक आपको वो सिम्टम नहीं है, आपने जैसे कि अभी बोला कि ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आउटपुट की कोई कमी है, ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं काम करना चाहता हूँ उसका कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपने बोला कि आपको एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी जो नेचर है, जो हमारी मदर नेचर है, वो चीजों को ऑटो बैलेंस कर देती है। अगर ठीक है, आपको कोई सिम्टम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि वास्तु में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं, तो मतलब बैलेंस है वो सारी चीजें। आप ऑटो बैलेंस्ड है सर, बिकॉज नेचर से बड़ा बैलेंसर और कोई भी नहीं है। सो प्रैक्टिकली आपके कहने के मुताबिक वास्तु का रोल तब आता है अगर आपको लगता है कि भी किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट मींस कि देर इज सम इम्बैलेंस इन वास्तु। डेफिनेटली सर, अगर व्हाई यू गो टू अ डॉक्टर व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस इन योर बॉडी, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड बाय नेचर ओनली ना, व्हाटएवर 5 एलिमेंट्स आर देयर इन द नेचर आर देयर इन आवर बॉडी आल्सो। सो दैट मींस सिमिलर, कि अगर अगर इफ द थिंग्स आर गोइंग ओके देन या देयर इज नॉट मच टू थिंक अबाउट वास्तु, दैट मींस ऑलरेडी नेचुरली इट इज बैलेंस्ड बाय एंड सम फोर्सेस। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो नेचुरल से बैलेंस्ड है फिर। That is what I wanted to ask, कि भाई do we really need to stress upon वास्तु, और at the time of a problem we need to stress upon वास्तु? बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको ना एक और छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जब हम सपोज यू आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हैं सबके साथ, फाइनेंशियल इश्यूज भी नहीं है, हेल्थ इश्यूज भी नहीं है,
एंड आप सोचते हैं कि मेरे को घर रेनोवेट करना है. मैनी हाँ पीपल जी डू दैट राइट. बट आफ्टर रेनोवेटिंग ना, आपने भी ऐसा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि रेनोवेशन से पहले ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी, अभी रेनोवेशन के बाद ना फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो गए हैं, या फॉर दैट मैटर हेल्थ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, या एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए, या कोई भी काम करने जाते हैं काम नहीं बनता है. एट अ कॉन्शियस लेवल जाके हम क्या करते हैं, हम अपने घर का रेनोवेशन में तोड़फोड़ कम करते हैं, वहां पे कलर्स ऐड कर देते हैं, हम ऐसे पैटर्न्स ऐड कर देते हैं. घर तो वो ही अभी भी, लेकिन हमने रेनोवेशन में क्या चेंज किया, हमने घर के पैटर्न्स, यू नो आई मीन, कहीं पे फ्लावर्स ऐड कर दिए, कहीं पे हमने रेड पिंक मरून कलर ऐड कर दिया, मतलब रैंडमली हम कलर्स ऐड कर देते हैं, हमें प्रॉब्लम्स तब आनी शुरू होती है. तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से आई होप आप रिलेट कर सके होंगे कि ये वास्तु बेसिकली है क्या. इट इज ऑल अबाउट आपकी एनर्जीज को घर की एनर्जीज के साथ सिंक किया जाता है, और जब वहां पे सिंक नहीं बैठता है, बिकॉज डेफिनेटली योर माइंड नोज, माइंड के पास हर समय कॉन्शियस लेवल पे अनकॉन्शियस लेवल पे इंफॉर्मेशन फीड होती रहती है. अगर माइंड को लगता है कि नहीं ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये चीज माइंड नोज बेटर, माइंड नोज बेटर कि यहाँ पे ये चीज खराब कर रही है. हमें हमारा माइंड सबसे पहला सिग्नल देता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, बट वी कीप इग्नोरिंग दैट टिल द टाइम वी डोंट फेस प्रॉब्लम्स अबाउट इट. सो सिमिलरली जो वास्तु है, वास्तु हमारा अनकॉन्शियस लेवल पे हमारा माइंड एवरी टाइम डेटा उठाता रहता है, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हमारे ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हमें तब जाके रियलाइज होती है जब वो हमारे ऊपर फिजिकल फॉर्म में आ जाती है. दैट मीन्स कि इट्स एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, दैट मीन्स यू आर इन सिंक विद द नेचर, और उसमें आपको कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है. एंड इफ देर इज सम काइंड ऑफ एन इशू, तब आप इन चीजों में यू गो टू वास्तु और समथिंग एल्स टू लुक इन टू दैट मैटर. डू द करेक्शन, परफेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अरुण जी. मित्तल साहब, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा था, और जवाब तो उससे भी बढ़िया था. नेचर के साथ सिंक होना है ना, और जरूर. यही यही चीज़ हम लोग करते हैं जब हम लोग चले जाते हैं नेचर के साथ सिंक होने के लिए. और क्यों जाते हैं, और वहाँ जाके हमारा स्ट्रेस क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग नेचर के साथ सिंक में आ जाते हैं. तो एग्जैक्टली वही वही बात है. वहां पर भी आपका जो नेचर का वास्तु आपके वास्तु के साथ मैच कर जाता है, जी जी एंड जी यू बिल्कुल लाइटर. जी. सर, तो नेचर का वास्तु नेचर ने खुद से बैलेंस किया हुआ है, जी, बहुत और बढ़िया. जब मैम, जब बहुत ही बढ़िया. ह्यूमन इंटरवेंशन होती है नेचर में, तो वी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो. नेचर डजंट फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस, इट इज आपका वी हु फेस दैट. आपका जवाब इतना अच्छा है मैम करने के लिए, कि इसको बार जी बार जगह जगह पे हम वास्तु के एक्सप्लेनेशन के लिए दिखा सकते हैं कि भाई हम लोग यहाँ कोई भ्रम नहीं फैलाना चाह रहे हैं. ये एक एंशियंट साइंस है जो शरीर को सिंक करती है नेचर के साथ में. और दिस इज अ वेरी गुड कोरिलेशन बिटवीन साइंस एंड वास्तु. फॉर जी दोज पीपल हू थिंक दैट वास्तु इज समथिंग विच इज जस्ट एक वहम है और जी जी साइंस जी से सर अलग है, दिस इज जी अ जी वेरी जी गुड दिस जी 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 वर्ल्ड ऑफ नेचर नेचर एंड बॉडी सिंक इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. जी जी तो मैम, हम आचार्य मुन सर, मैं अरुण जी एक चीज बोलना चाहूंगी. सर देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इज नॉट बीन मेड बाय मैन. ईस्ट से सूरज में उगना ही उगना है, और वेस्ट में जाकर उसको सेट होना ही होना है. तो नेचर ने ऑलरेडी हर डायरेक्शन के गुण धर्म, उसके एटीट्यूड्स डिसाइड करे हुए हैं. वी आर जी नो वन टू इंटरफेयर इन दैट. जी और ये बड़ा ही ऐसी अभिव्यक्ति बन गई है जिसका जवाब बहुत सारे बच्चों को, जिन्होंने हमसे प्रश्न पूछे थे, उनको भी मिलेगा इससे, क्योंकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगा और सब लोग देखेंगे. तो बच्चों को हम किसी भी तरह के भ्रम में नहीं डालना चाहते. बात यह है कि आपके मन तन के अंदर एक ऐसा सिंक होना चाहिए, नेचर के साथ एक ऐसा सिंक होना चाहिए कि आपको काम करते समय भला लगना चाहिए, मज़ा आना चाहिए. जहाँ काम करते समय इंटरेस्ट बनेगा, वहाँ स्ट्रेस नहीं होगा. और उसको बनाने के लिए मैम, जो आचार्य मुनमुन जी ने अभी तक सुजेशन हमें दिए कि जो रंग हैं आपके आसपास बहुत मैटर करते हैं, जैसा आप देखेंगे वैसा मन होगा. अगर दिमाग ने ये सोच लिया कि ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो आपको अनकॉन्शियसली वो बात बात चुभती रहेगी, और आपके दिमाग का बहुत सारा हिस्सा, आपकी शक्ति का बहुत सारा हिस्सा उसी में कंज्यूम हो जाएगा कि किस तरह से वो चीज़ को वहाँ से सिंक में लाया जाए. तो जो मैम उपाय बताते हैं, वो सिर्फ यही बताते हैं किस तरह से, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है
स्ट्रेस को बस्ट करने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से करें, चाहे वो अपने रिलेशनशिप को सुधार कर करें, माँ बाप के साथ अपनी अच्छी बातचीत करके करें। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ अच्छी बातचीत करके करें, उनको एक इस लेवल पे लाके करें कि बच्चे को लगे कि भाई हाँ ये मेरे मनपसंद की चीज़ है या मुझे ये चीज़ करनी है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल सर, बहुत सारी बातचीत इस पे से निकली। तो मैं और भी दावत दूंगा, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से अगर किसी का कोई सवाल है तो हमसे जानकारी साझा कर सकते हैं। हेलो अरुण सर, मैं जी सुखंत जी बोल रहा हूँ। सुखांत जी जी बताएं बताएं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। जी हम जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो क्या इसमें कहीं पर टाइम वाला जो डायमेंशन है वो भी कहीं रोल प्ले करती है, मीन्स मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून? सर, ये ऐसे हमारा रोल प्ले करता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम सत्व मोड में होते हैं, हम एक फ्लो में आ जाते हैं। जैसे जैसे दोपहर होती जाती है, 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, वी रियली कम इन टू एक्शन। जैसे जैसे सूरज उगता रहता है ना, वैसे वैसे हम एक्शन में आते रहते हैं। शाम तक 5 बजे तक वो टाइम होता है जब हमारा तमस मोड शुरू हो जाता है, एंड दैट इज द टाइम वेन वी वॉन्ट टू रिलैक्स, या जब हम पार्टी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी बॉडी को रेस्ट मिले। तो वो टाइम से अगर आप बोलेंगे तो मैं टाइम का यही बोलूंगी कि जो हमारा दिन है वो भी सत्व रजस तमस के मोड पर है। जी मेरा एक्चुअली ये था, बीच में लेके भी एक बार हम देखा कि हम रात को स्टडी करते हैं, रात को हम 11 बजे बैठ गए, मॉर्निंग तक 5 बजे तक पढ़ रहे हैं। किसी जी बच्चों की स्टडी वो अच्छी होती है, कोई मॉर्निंग आवर्स में पढ़ते हैं, कोई दोपहर पढ़ते हैं, इन सबका टाइम अलग होता है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर दैट थिंग? सर, बेस्ट टाइम फॉर देम वुड बी, यू नो, जैसे अभी कोई स्कूल गोइंग बच्चा है या कॉलेज गोइंग बच्चा है, फॉर श्योर वो 5 6 7 वट एवर घंटे दे गोइंग टू स्पेंड इन द स्कूल ओनली। लेकिन जब वो घर वापस आते हैं और घर आके आपको लगता है उनके कंसंट्रेशन नहीं बनता है, तो समहाउ उनकी बॉडी की एनर्जी उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनकी बॉडी की एनर्जी टायर्ड हो चुकी है। तो जिसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई है, इफ यू डू दैट सर, अगर अभी भी मैं आपको बोलूंगी कि जिन्होंने अभी भी लेटली कुछ ज्वाइन किया है, तो मैं उनको बोलूंगी कि आई जस्ट टोल्ड हिम वन वेरी सिंपल एक्सरसाइज। अभी जैसे हमारा तमस का मोड शुरू हो चुका है, शाम के 7 8 बज चुके हैं, तो अगर आप उस समय भी देखोगे ना, आप तमस मोड में हो, आपकी एनर्जी आपको लगता है नहीं सपोर्टिव है आपको कुछ भी काम करने के लिए, तो एक ही जो हमारी कॉलर बोन है, इफ यू सी दिस इज लाइक आवर कॉलर बोन, वेन वी कम टू द एंड ऑफ इट, जहां पे आके हमारे दो नोड्स हमें दिखते हैं, उसके बिल्कुल नीचे, अरुण जी, नो कॉलर बोन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉलर बोन, ये कॉलर बोन के हमें दो नोड्स दिख जाते हैं, जी उसके बिल्कुल नीचे देयर इज लाइक अ वेरी सॉफ्ट पार्ट हियर। यस आई थिंक योर सन इज ऑल्सो डूइंग इट, राइट? यस आई कैन सी हिम देयर। सो व्हेन यू स्टार्ट, ऐसे आप इसको करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर से करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं, थोड़ा सा प्रेशर से करेंगे, और इफ यू स्टार्ट टैपिंग दिस एरिया, जी 6 7 बार ये टैप करेंगे, तो देखेंगे आप में ना इंस्टेंट एक एनर्जी का रिफ्लक्स आता है, इंस्टेंट आता है, मतलब आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप जो भी कर रहे हैं आपकी आंखें खुल जाती हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो सब एनर्जी लेवल की एनर्जी फ्लो है, ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है। सर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने मुझे पूछा कि शाम को आके हमें पढ़ने का मन होता है और वो हमारे लिए बेस्ट टाइम है कि नहीं है, आई थिंक दिस रियली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड देयर प्रकृति ऑल्सो, देयर बेसिक प्रकृति विच इज एयर वाटर फायर। अगर एयर वाला बच्चा है ना, तो वो सारा दिन भी पढ़ सकता है, मतलब जो सत्व वाला बच्चा है वो सारा दिन एक फ्लो में पढ़ता रहेगा, उसको बुक्स का बहुत इंटरेस्ट होगा। जो रजस वाला बच्चा है वो बोलेगा कि मैंने अगर 1 घंटा लगा दिया तो वो डन है सर, उसका टाइम से इतना कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी एवरी टाइम ट्रांजिट मोड में रहती है, सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस, कभी हम एकदम से बहुत एक्टिव हो जाते हैं, आप किसी पार्टी में जाते तो ऐसा नहीं होता कि हम तमस मोड में ही हैं, हम डांस करने उठ जाते हैं, सो दैट मीन्स हम एक फ्लो में आ जाते हैं, हम तीखा खा लेते हैं तो ऑल ऑफ सडन हमारी बॉडी अवेकन हो जाती है। आप मीठा खा लेते हैं, आपने मीठा खा के देखा होगा कि मीठा खा के हमारी बॉडी थोड़ी लथार्जिक हो जाती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या काम कर रहे हैं उस समय में। अब जैसे कॉल सेंटर्स है, कॉल सेंटर्स में उनका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है दैट दे गो एट नाइट एंड देन दे डू देयर वर्क,
एंड टू कीप देम अवेकन, आप वो कॉफी भी पीते रहेंगे, वो चाय भी पीते रहेंगे, सो इट इज अबाउट मेनी अदर थिंग्स दैट फॉलो. तो मैं एक कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताऊंगी सर जिसमें हमारी बॉडी कंसेंट्रेशन के लिए एक्टिव होती है, ऐसा नहीं है, बिकॉज ट्रांसमिशन चलता रहता है हमारी बॉडी का सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस में. इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट डिपेंड्स सर, बिकॉज देखिए ना, कई बच्चे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि कई बच्चे हम कहते हैं कि पढ़ते ही उनको याद हो जाता है, और कई बच्चे होते हैं जिनको समय लगता है याद होने में. सो इट डिपेंड्स. यस जी. तो इसका मतलब है पहले इंसान को अपनी बेसिक प्रकृति जाननी बड़ी जरूरी है, बहुत और जरूरी है. आयुर्वेदा में भी यही कहा जाता है, जो आयुर्वेदा का धारण करते हैं, जो उस तरह के वेद को पालन करते हैं, उसमें भी यही प्रकृति की बातें की जाती है, अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है. तो अपनी प्रकृति को समझते हुए अगर एक्ट करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे. जहाँ जहाँ हम अपनी प्रकृति के उलट बात करेंगे वहाँ वहाँ स्ट्रेस हो जाता है. तो जी, तो मैं आपको बहुत अच्छा एक बताना चाहूंगी कि आप अपनी प्रकृति कैसे जान सकते हैं. जी, बहुत छोटा सा एक ये आप अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे अगर आपको शौक है बुक्स का, आपको नॉलेज गेन करने का शौक है, तो आप सतत प्रकृति है. अगर आपको शौक है कि मुझे नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ काम दिखता है, मुझे एक्शन दिखता है और मुझे एक्शन में रहना है. कई लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी होगी ना, उनको आप बताओगे कि जी पूरी आप उनको कहानी सुनाओगे, उनको कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो कहते हैं तो मुझे बता इसमें काम की बात क्या है, जस्ट दैट इज द पार्ट दैट आई वॉन्ट टू लिसन. सो दे आर लाइक रजस पीपल, पित्त वाले लोग होते हैं वो. और तमस वाले लोग क्या होते हैं, तमस वाले लोग ना जनरली इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, और उनको जितनी मर्जी आप कहानियां आप सुना सकते, कहानियां सुना नहीं सकते, जितनी मर्जी कहानियां आपको भी सुना सकते हैं. दे आर लाइक लिटिल लेड बैक पीपल. इससे आप अपने बच्चों को कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरा बच्चा वात पित्त कफ में, उसका वो किस चीज में वो प्रोमिनेंट है, क्या उसकी प्रकृति है. जी, सिमिलरली खाने के टेस्ट से भी, देयर आर मेनी वेज दैट वी कैन डू दैट. खाने से भी पता चल जाता है, जिनको मीठा खाने का शौक है वो तमस प्रकृति है उनकी, जिनको तीखा खाने का शौक है वो रजस प्रकृति है, जिनको सात्विक खाना मतलब बहुत ज्यादा तीखा भी पसंद, तीखा ना हो मीठा ना हो, नॉर्मल फूड, दैट इज लाइक सतत पीपल. जी, और खाने का बिल्कुल अलग अलग तरह से कहा जाता है, जैसा खाएंगे वैसा बन जाएंगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो ये बात भी कही जाती है और ये बिल्कुल सही है. अल्टीमेटली सब बातों का निचोड़ तो एक ही है कि हम क्या हैं और किस तरह से अपना संबंध हम प्रकृति के साथ बना के रखते हैं, उसी के अंदर से ये बात निकल रही है. तो बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया सुखांत जी आपने. मेरे और पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से अगर कोई पूछना चाहे तो प्लीज़ अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है. मैडम, मैं विक्रम हूँ, एज 73. हाउ टू इम्प्रूव योर मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन? डेफिनेटली सर, मेडिटेशन ओनली कम्स इफ योर माइंड इज रिलैक्स्ड. मेडिटेशन ओनली कम्स इफ यू आर कनेक्टेड विद योर सेल्फ. ये दो चीजें मेडिटेशन के लिए होनी बहुत जरूरी है. और तीसरा, अगर आप अपने तमस में हैं तो आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सबसे पहले आता है कि आपका आपका खुद के साथ कनेक्शन अगर स्ट्रांग है, और वो कनेक्शन आपको स्ट्रांग कौन सा देगा, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपको आपको एक स्ट्रेंथन करेगी आपका कनेक्टिविटी खुद के साथ. कई बार क्या करते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मंदिर तो बना देते हैं, लेकिन हम वहां पे ना इतने सारे गणेश जी रख देते हैं. अब गणेश जी एक सिग्निफिकेंट, अगर हम उसको देखें तो गणेश जी की सूंड लंबी है, उनके कान बहुत बड़े हैं, उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं, उनका पेट बहुत बड़ा है, विच ऑल टूगेदर सिग्निफाइज कि एक सूंड जो कि बहुत दूर तक का सूंड सकती है, स्मेल कर सकती है, आंखें इतनी बड़ी कि वो इतनी दूर तक का देख सकते हैं. तो अगर हम गणेश जी सिर्फ एक रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारा कनेक्शन खुद के साथ और बेहतर हो जाएगा. तो अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आपको अपने घर की डायरेक्शन साउथ में, प्रिसाइसली साउथ इज द डायरेक्शन विच गिव्स यू अ रिलैक्स्ड माइंड एंड अ रिलैक्स्ड बॉडी. वहां पर अगर आप मेडिटेटिव बुद्धा की फोटो भी लगा देंगे, सो यू विल फील दैट यू नो मेडिटेशन इज हैपनिंग टू यू.
मेडिटेशन इज हैपनिंग टू यू. व्हाई डिड आई से दैट हैपनिंग टू यू? बिकॉज मेडिटेशन आप खुद करते नहीं है, मेडिटेशन आपकी वो सराउंडिंग्स क्रिएट करवाती हैं. अगर आप शोर में भी बैठ जाएंगे और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, 2 मिनट ध्यान वहां पे भी आप लगाना चाहते हैं, वो तब भी कर सकते हैं. ओनली इफ योर माइंड इज रिलैक्स्ड, ओनली इफ यू आर इन टू एल्फा और मे बी थीटा माइंड लेवल्स. बेटा में तो हम कर नहीं सकते, अल्फा एंड थीटा माइंड लेवल्स पे आपको जाके मेडिटेट करना होगा. और उसके लिए अगर आप साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेटिंग बुद्धा की फोटो लगा देंगे, सो व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. आई होप विक्रम सर आई कुड गिव यू द आंसर. इफ यू स्टिल फील दैट यू आर नॉट सैटिस्फाइड और मे बी इफ यू थिंक कि कहीं ना कहीं अभी भी डिस्कनेक्टेड मेरे क्वेश्चन में, सो मे बी यू कैन कम बैक टू मी अगेन एंड आस्क. मैं समराइज कर लूं, आई शुड फेस साउथ नॉर्थ ईस्ट वाइल मेडिटेशन और एक बुद्धा मैं घर के साउथ में रखूं, इज दैट द इन समरी? एग्जैक्टली सर. व्हेन यू आर मेडिटेटिंग आपको नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. प्राइमरीली नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस, डायरेक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने साथ में कनेक्ट फील कर पाएंगे. और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस नहीं है तो आपका वो कनेक्शन बनेगा भी नहीं. तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में एक गणेश जी को रखेंगे, बहुत सारे गणेश जी नहीं रखेंगे, और वहां से रेड पिंक मरून वॉयलेट कलर्स को हटा देंगे, इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू अ लॉट व्हाइल मेडिटेटिंग. एंड यस, keeping Buddha in south direction really helps you a lot. And third thing, where are you sleeping now? मतलब आप कौन सी direction में सो रहे हैं? Because जिस direction में आप सो रहे हैं वहां की आप रात की 8 घंटे की energies you're taking. North. So are you sleeping in the north direction of your house? Yes, ma'am. So my head is towards north. Sir, do you get any issues like headache or maybe कफ एंड कोल्ड का कुछ इश्यू रहता है आपको? मैडम इतना स्लीप इतनी अच्छी नहीं रहती, थोड़ी डिस्टर्ब स्लीप ही रहेगी सर वहाँ पे आपकी. सो आई मीन ट्राई डूइंग दैट. आप उस बेड पे सो रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यू नो पैर वाली तरफ पे आप अपना सिर रख के सोइएगा, मे बी यू फील द डिफरेंस. एंड मेक श्योर योर नॉट डज योर नॉट हैज ओनली ब्लू ग्रीन एंड ब्राउन कलर्स और मे बी ऑपोजिट. राइट सर, जी. सो जी मैं बोला जाता हूँ, नॉर्थ साइड ही सोता हूँ और मेरा हेड भी नॉर्थ साउथ था, नॉर्थ साउथ में, बट मुझे सोते वक्त पता लगता नहीं कि मैं कब नींद आई और आई स्लीप वेरी वेल, मुझे सुबह ही उठता हूँ मैं. सर नॉर्थ साउथ आर टू ऑपोजिट डायरेक्शंस, आप एक ही डायरेक्शन में सिर करके सो सकते हैं. हेड मींस हेड टुवर्ड्स नॉर्थ. You head towards north, sir. हो सकता है कि north का कोई part हो, because जो हमारी working रहती है, वैसे तो वास्तु की जो directions होती है वो maximum 8 directions होती है, but I work for 16 directions. जी. So precisely. North means north means exactly north here, because हमारा house is facing east, south में चल रहा था और मैं बिल्कुल north में हमारा head position है. अभी थोड़ी क्योंकि change मौसम से कभी change कर otherwise I'm at north. बिल्कुल परफेक्ट सर, आपका साउथ बैलेंस होगा एंड देन मोरओवर आपके नॉर्थ में कोई इम्बैलेंस नहीं होगा, तभी आपको प्रॉपर नींद आएगी. जी, आज की इंटरेक्शन बहुत ही बढ़िया मैम आपके साथ रही है हमारी, और बहुत कुछ जानने को, समझने को, सीखने को भी मिला है. और बच्चों के साथ क्योंकि हमने एक सेशन शुरू किया हुआ है एग्जामिनेशन के ऊपर, हमने पहले जो सेशन किए थे उसमें उनसे काफ़ी सारी चर्चाएं की थी, हमने उसमें जिक्र उनसे किया था कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो उससे एक रात पहले जो आपको टेंशन्स हो जाती हैं वो टेंशन्स को आपने कैसे ख़त्म करना है. स्कूल में मैं एक एग्जांपल से यहाँ बात करूँगा, ये एग्जांपल मैंने पिछले सेशन में भी ली थी और आने वाले सेशन एक डेडिकेटेड सेशन हमारा एग्जामिनेशन के ऊपर और भी होगा, कि हम जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम 3 घंटे का अगर होता है तो 3 घंटे उनको लिखना पड़ता है, 3 घंटे लिखते रहते हैं. तो मैंने एग्जाम्पल पिछली बार ये लिया था कि अगर आपको एक दिन अचानक से कहा जाए कि आप दौड़ लीजिए, दौड़ में हिस्सा ले लीजिए, तो आपके फर्स्ट आने के कितने चांसेस हैं? तो अगर एक बच्चा है जो रोज़ दौड़ता है, एक आप एक दिन अचानक से उठा के दौड़ दिया, तो ऑब्वियसली जो रोज़ दौड़ता है उसके फर्स्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो आपने अपने हाथ को कभी 3 घंटे तक चलाने की प्रैक्टिस करवाई ही नहीं, 3 घंटे तक लिखना भूल ही गए हम लोग, तो एक दिन अचानक से उसको कहा हाथ को कि चलो 3 घंटे लिखो,
तो वो बेचारा घबरा जाता है करने के लिए कि 3 घंटे में कैसे लिखूं, क्योंकि मैंने को तो लिखने की आदत ही नहीं, पहले तो कभी कहानी, आज अचानक से क्या हो गया 3 घंटे लिखने को बोल दिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं। एक और पॉइंटर मैं यहाँ अपनी तरफ से शेयर करना चाहूँगा जो रिसेंटली मेरे से किसी ने पूछा था, मैं इस वीडियो का इस्तेमाल उस काम के लिए करूँगा। उन्होंने मेरे से पूछा था कि टीचर्स हमें नंबर क्यों नहीं देते हैं, तो मैंने उनको पलट के ये जवाब दिया था, ग्रुप ऑफ पीपल थे, 7-8 लोग थे सामने, बच्चे थे, तो मैंने कहा था क्योंकि आप नंबर लेना नहीं चाहते हैं इसलिए टीचर नंबर नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप। मैंने कहा हम एक गेम खेलते हैं, आप टीचर बनिए, मैं स्टूडेंट बनता हूँ। तो जो गेम खेली थी मैं वो आपके सामने यहाँ रखना चाहता हूँ, फिर हम कंक्लूजन की ओर चलेंगे। मैंने उनको बोला कि एक 5 नंबर का प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं और मैं आपके सामने एज ए स्टूडेंट प्रश्न का उत्तर रखता हूँ। मैंने उन्हीं से पूछा कि क्या लिखना चाहते हैं, उन्होंने मुझे एक प्रश्न दिया, मैंने उत्तर लिख दिया, 3 लाइनें लिख के मैंने कहा जी ये मैंने उत्तर लिख के आपको दे दिया, अब आप मुझे नंबर दीजिए। तो एक कोई भावना में बह गया, उसने कह दिया जी 5 में से 5 दे दूंगा, एक ने कहा 4 दे दूंगा, एक ने कहा 3 दे दूंगा, बीच में एक स्टूडेंट था उसने ये भी कहा कि 1 ही नंबर दूंगा। तो मैंने कहा चलिए अब कोई बात नहीं, आपने इतने नंबर दे दीजिए, अब मैं कुछ और करता हूँ। तो मैंने उन 3 के अंदर 2 लाइनें और ऐड कर दी, मैं कहा जी अब आप बताइए कि आप कितने नंबर देंगे। तो जो 5 वाला था वो उसने कहा कि अब मैं तो पहले 5 दे चुका हूँ, मैं कितने दूंगा करने के लिए। तो जो 1 वाला था उसने बढ़ा के 3 कर दिए, ऐसे करके नंबर बढ़ा दिए। फिर मैंने कहा अब आप रुकिए, मैंने फिर उस प्रश्न के उत्तर में एक डायग्राम बना दी, मैंने डायग्राम बना के पूछा कि बताओ अब मुझे कितने नंबर दोगे। अब जिसने पहले 5 दे दिए थे वो थोड़ा घबरा गया कि भाई अब कैसे दूँ करने के लिए, तो उसने 10 कह दिया। तो ऐसे करते करते उन्होंने नंबर बढ़ा दिए, फिर मैंने डायग्राम को लेबल कर दिया, फिर मैंने डायग्राम के नीचे उसकी कैप्शन लिख दी। तो मैं पूछता रहा कि आप नंबर कैसे देंगे, तो सबके नंबर धीरे धीरे करके अल्टीमेटली वो बढ़ते रहे करने के लिए। मैंने फिर कंक्लूजन कर दिया, तो मैंने उनसे पूछा आखिर में, बच्चों से पूछा और मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह का पेपर करके आते हैं। अगर आप पहली 3 लाइनें लिख के आते हैं तो आप एज ए टीचर जब नंबर नहीं दे सकते हैं तो कोई टीचर आपको नंबर क्यों देगा। अगर आप नंबर लेना चाहते हैं एज ए टीचर, जब आप नंबर देंगे तो इसको नंबर देंगे तो ऐसा पेपर भी तो हल करना पड़ेगा। ऐसा पेपर हल करके आएंगे, डायग्राम बना के आएंगे, प्रॉपर लेबल करके आएंगे, कैप्शन लिख के आएंगे, उसका कंक्लूजन लिख के आएंगे, कॉन्टेक्स्ट लिख के आएंगे, तब नंबर मिलेंगे। कमाल का एग्जांपल, कमाल, बहुत कमाल। जो बच्चे थे सर, आपने जैसे ये बात कही, उन बच्चों के आंखों की चमक उस समय देखने वाली थी, और सातों के सातों बच्चों जब उनकी चमक आई आंखों में, सो आई कुड रियलाइज कि मैंने इनका कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस बस्ट कर पाया, और उन बच्चों ने समझ लिया कि हम पेपर को लिखने का तरीका कैसे होता है। मैं आने वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें शेयर करूंगा, अगर किसी बच्चे को पत्र लिखना हो तो कैसे लिखना चाहिए, लेख लिखना हो तो कैसे लिखना चाहिए, निबंध लिखना हो तो कैसे लिखना चाहिए। ये हमारा प्लान है, अभी आने वाले समय में हम डेफिनेटली इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। आज का हमने विषय जो था बड़ा ही गंभीर विषय आज हमने चूज़ किया था। हमारी एक सीरीज़ चल रही है एग्जामिनेशन के ऊपर, हमारे पहले के वीडियोज़ भी आप ग्रुप में देख सकते हैं, और आज हमने विषय ऐसा चूज़ किया था कि आपके जो आसपास रंग होते हैं, आपके आसपास का जो माहौल होता है, आपके आसपास के जो लोग होते हैं, कैसे वो भी आपके एग्जामिनेशन का पार्ट होते हैं और कैसे वो स्ट्रेस को बस्ट कर सकते हैं या स्ट्रेस को दे सकते हैं, ये हमने आज के इस सेशन में देखा। और मैडम मुनमुन गोयल, आचार्य मुनमुन गोयल जी से हमने एक बड़े ही काम का गुर मंत्र सीखा कि नेचर के साथ अगर सिंक होगा तो किसी किस्म का कोई स्ट्रेस हमारे पास नहीं आ सकता। तो अपने आप को नेचर के सिंक में लाइए। इसी के साथ हम बातचीत को इस मोड़ पे ले आए हैं कि एक बार बस फाइनल कॉल सभी को करेंगे कि अगर आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, इसके बाद आपका सवाल होने के बाद फिर हम लाइव ऑडियंस को पहले विदा कहेंगे। कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं 10 सेकंड में वेट करूँगा प्लीज़ जी। तो इसके साथ मैं अपनी जो फेसबुक पे लाइव ऑडियंस हमें देख रही है उसको विदा कहूँगा, और सेकंड चरण में फिर हम गूगल मीट की ऑडियंस को विदा कहेंगे। तो लाइव ऑडियंस, आपने जितना हमें सुना, आप अपना कमेंट्स के जरिए अगर कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें, आप भी शेयर करना चाहें, आपके कुछ मंत्र हमारे साथ शेयर करना चाहें, आपका बहुत स्वागत है। सोशल सब्सटेंस से मैं अरुण बंसल अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।